फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर केले की रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की पुलिसकर्मी द्वारा पिटाई किए जाने के कारण मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने चौकी का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। शुक्रवार रात से अब तक परिजन पुलिस अधिकारियों से आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज करने से गिरफ्तार करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये जांच का विषय है और जो भी उचित कार्रवाई बनेगी पुलिस उसे करेगी। बता दें, बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी का इलाका है, जहाँ केले बेचने वाले व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। व्यक्ति की मौत के लिए परिजन चौकी में तैनात रामगोपाल नामक पुलिसकर्मी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके पिता हाईवे पर रोजाना की तरह रेहड़ी लगा रहे थे, तभी रामगोपाल नामक पुलिसकर्मी ने बेवजह सड़क पर ही उसके पिता की खूब पिटाई की। उसके बाद वो उन्हें पकड़कर पुलिस चौकी ले गया। वहाँ 3 घंटे पुलिस ने उसके पिता को रखा। उसके पिता चौकी से बाहर निकलने लगे तो वो इस हालत में नहीं थे कि पैदल भी चल सके। जी, मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों दुकान पर खड़े थे जी, और जी मेरे पास कस्टमर थे, मैं कस्टमर को केला दे रहा था। एक पुलिस वाला आया जी, उसने गुच्छे पब्लिक को बांटना चालू करा और उसने कह रहा रेहड़ी लग रही है, पर मेरे पिताजी की और इनकी भी तो लग रही है जी। पर इसी चक्कर में जी मेरे पिताजी को धक्का मारा जी, बीच सड़क पर डंडा मंडा उन्हें चालू कर दिया जी। फिर इसके पहले पुलिस वाला और आया जी, मेरे पिताजी को लेके चलते बने भाई जी, बड़े बूढ़े मेरे पिताजी थे, उनको इन चौकी के अंदर लेके चले जी। तीन चार घंटा से पहले वो अंदर नहीं आए थे, सही सलामत गए थे जी, वहाँ थे जी, सही सलामत नहीं आए भाई, पामा पर नहीं चल गए जी, इतनी बुरी हालत करी जी। जी मैं इतने बहुत परेशान हूँ जी, मैं वाट टाइम अपनी दुकान छोड़ के अपनी मम्मी माता जी को बताया, सीधी मम्मी माता जी मेरी गई, उनकी कोई सुनने मम्मी जब भैया जी को सब दोनों उनको भगा दिया जी वहाँ थे, उनको मेरे पिताजी की कह रहे थे ये चौकी में जाएगा, नीम की जेल में जाएगा जी। फिर इसलिए जी कोई बात ना जी, फिर मम्मी दोबारा गई है, फिर भी दोबारा कोई वो नहीं सुनिए। तीसरी बार में खुद पुलिस वाले हाथ जोड़ कह रहे हैं जी चौकी में तो ले जाओ, तुम्हारे अपने पिताजी को घर लिटा दो। पर हमारे पिताजी ठाड़े लायक होने के लायक इतने नहीं थे, सीधे हमारे भैया माँ जी सीधे हॉस्पिटल गई है, हॉस्पिटल वाले ने बताइए किसी पुलिस वाले को ले आओ अपनी गैल, जब उनकी वो कर लेंगे इलाज। फिर पुलिस वाले को दोबारा बताया गया है, पुलिस वाला कोई नहीं गया जी गैल। आपका मतलब ये है कि आपके पिताजी को चौकी में बहुत ज्यादा मारा है? हाँ जी, बाहर बीच सड़क पर मारा जी, बीच सड़क पर जी, ये कैमरा में खुद आ रहे जी, खुद बीच सड़क में मारे। घंटे में रहे आपके, कितने घंटे रहे चौकी में आपके? तीन चार घंटे रहे जी अंदर, समझ गए जी, अच्छे भले लेके गए जी, पर वहाँ मेरे पिताजी पामन की चल के हाथ नहीं आए जी, कैसे आए मुझे पता जी। कोई पुलिस वाला डॉक्टर के पास भी जाने के लिए तैयार नहीं था जी, इतनी बुरी हालत कर दी जी उनने, क्या करो क्या नहीं करो, अंदर जाके अच्छे भले ले गए जी मेरे पिताजी को, पर उनने बीच सड़क में मारपीट करी मेरे पिताजी गेल, और अंदर जाके उनने क्या करा गया जी मुझे नहीं पता जी। क्या हुआ जी? मेरे पिताजी का नाम राजवीर है जी। कम से कम 60-55 के आसपास के बीच में जी। क्या हुआ उसके बाद जब चौकी से बाहर ले गए? बाथरूम में से लेके आए, वो बाथरूम में पड़े थे जी, और पुलिस वाले कह रहे हैं इनसे ले जाओ जी, पर मेरे भैया जी बोले उनसे ये मेरे पिताजी तो सही सलामत ऐसे ऐसे औंधे क्यों पड़े हैं जी, उन्होंने कहे तो ले जा, पर मेरे भैया जी ने मना करिए सभा, मैं नहीं लेके जा रहा, मेरे पिताजी को सही सलामत ऐसे लेके आए थे ऐसे भेजो, पर जी उन्हें नहीं माने, पर मेरे भैया वापस आए थे, मेरे भैया में खुद डंडे उन्हें मारे, फिर दोबारा मारे जी, फिर हमसे वही है जी, पर क्या करे जी, फिर पुलिस वाले ने खुद ऑटो करके जी मारे थे आपके? हाँ जी, मेरे भाई में मारे हैं जी डंडे मारे, और खुद मेरे उन पुलिस वाले ने ऑटो करके जी खुद मैंने बीच सड़क में मेरे पिताजी ऐसे डाल दिए जी, मेरे पापा जी 2-4 घंटे तो ये हुए बेचैनी, तड़प तड़प की मौत हुई है जी। अब क्या चाहते हो आप, अब ये बताओ। हॉस्पिटल से बुलाए, इंसाफ चाहते हैं जी, कैसे हमारी माँ को सुहाग बना दिए जी हाथ में, आप क्या चाहते करना चाहता हूँ जी, मैं सब मेरी क्वासी हुआ जी, ऐसे इन्हें मारा जी, कभी कभी मुझे भी मार देते, बीच दहरी थप्पड़ मार देते कि उनको कर्जा ले रहा जी, इन्हें को भी चोर इन्हें चोर पकड़े आज तक, इन्हें रेहड़ी ने उसको भी फांसी होनी चाहिए, समझ गए, इन्हें आज तक चोर नहीं पकड़े, रेहड़ी वाले ने पकड़ लेते हैं इस वाड़े ने जी, दिन में ड्यूटी करते हैं शराब पी के ड्यूटी करते हैं जी, इनके फुल सबूत है जी, मतलब खुद शराब पी के ड्यूटी करते हैं, रेहड़ी वाले ने पैसा मांगते हैं जी, अधिकारी से ले पुलिस अधिकारी क्या बोला उन्होंने, डरा रहे हैं जी बस, गरीब आदमी ने ये धमकाने वाली बात समझ जाए, ये कोई शोरबाजी नहीं कर रही, कल तक ढोल ले जी, पूरी रात होगी जगते कोई शोरबाजी कोई कुछ नहीं कर रहा जी, कई गरीब आदमी कोई मदद नहीं करता, ये बात है जी। वहीं फरीदाबाद पुलिस पीआरओ सूबे सिंह के माने तो बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी इलाके में एक रेडी लगाने वाले की मौत हुई है, परिजन पुलिसकर्मी पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं शिकायत के बाद पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आगे जो भी उचित कार्रवाई बनेगी अमल में लाई जाएगी। ये 54 साल का एक व्यक्ति जो बल्लभगढ़ बस स्टैंड एरिया में रेडी लगाता है जी, तो वहाँ पर कुछ ऐसे झगड़ा हुआ था, कहना है कि वो ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, तो पुलिस उसको लेके गई थी चौकी में, और उसके बाद उसके साथ जैसे कि परिजन कह रहे हैं कि मारपीट हुई है कुछ, वो बाद में वो अपने परिजन आए थे तो परिजनों के हवाले कर दिया था, परिजनों के साथ उसको भेज दिया गया था जी,
लेकिन लेटर ऑन बाद में उसकी डेथ हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराने के लिए पी के हॉस्पिटल में भेजा गया है। और लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ कुछ मारपीट की, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब किसके खिलाफ पोस्टमार्टम जो आएगा और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई हो जाएगी। बाकी जो परिजनों का जो आरोप है, इस संबंध में जो भी उनकी कोई शिकायत है उसके अनुसार अगर किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत है तो उसमें जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो पुलिसकर्मियों के खिलाफ की जाएगी। वहीं मृतक के बेटे का आरोप है कि जब उसके पिता को अस्पताल ले जाने लगे तो पुलिसकर्मियों ने उसके भाई के साथ मारपीट की। मृतक के परिजन इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।